हाँ जी जो लोग इसको भी छोड़ दो प्लीज, YouTube पे जो लोग जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताइए और इसको शेयर कीजिए साथ साथ में, शेयर करो YouTube पे इसको बराबर ग्रुप्स में। हाँ जी Facebook वाले बताएं, आवाज आ रही है क्या? फेसबुक पे जो जो देख रहा है अरुण सर, बताइए फटाफट। आसू मलिक, काजू सब आ गए हैं लाइव। हाँ जी शेयर करो उसको जितना भी इशू क्या क्या है ये, यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब पे कह रहा हूँ, चल रही है फेसबुक पे। सिंगर विकास पुनिया, राजेंद्र कुमार। हाँ जी आप लोग आंसू, काजू, विकास, राजेंद्र सब एक बार इसको शेयर कर दीजिए। विकास आपके पास तो काफ़ी ग्रुप हैं, शेयर कीजिए इसको। और फेसबुक पे कौन कौन देख रहा है अभी इस वीडियो को? फेसबुक वाले भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम टॉपिक आगे चला सकें, ठीक है? शेयर कीजिए फटाफट। जो भी इस समय इस वीडियो को लाइव देख रहा है, हाँ जी YouTube वाले बताइए आवाज आ रही है क्या? हेलो राजेंद्र, बताइए जी।
कौन कौन आ गया? गुड मॉर्निंग। सबने शेयर कर दिए क्या? बता और दीजिए एक बार। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, फेसबुक पे जो भी जुड़े हुए हैं, विजय शर्मा, अरुण बिश्नोई, सब एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग काफी फ्रेंड हैं आपके फेसबुक पे, शेयर कीजिए। और बताइए आवाज सही आ रही है ना? हाँ जी, गुड हाँ जी, पहले एक क्लास हो चुकी है। चलिए जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास 11 बजे शुरू होने वाली थी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, तो देखिए जी, पहले मैंने लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी यूट्यूब चैनल पे, एसके क्लासेस लाइव पे। उस वीडियो में मैंने आपको भारत के इतिहास के बहुत सारे युद्धों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि मैं सारे के सारे युद्ध कवर करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में युद्ध का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एग्जाम दिल्ली पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, चंडीगढ़ पुलिस का हो, एचएसएससी का हो, एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर एग्जाम में हिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन आता है तो युद्ध का क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं जी। ठीक है, इसलिए हम सारे युद्ध करेंगे। एक पार्ट में पहले बता चुका हूं, अब ये दूसरा पार्ट होगा हमारा युद्ध का जी। ठीक है, अब हम शुरू कर सकते हैं। पूजा मीना, थैंक यू जी। हाँ, आप इसी YouTube चैनल पे देख सकते हैं पिछली क्लास भी। ठीक है, लिखा होगा प्रमुख युद्ध भाग नंबर 1। चलो जी, तो पहले वाले युद्ध में हम चंदावर के युद्ध तक कंप्लीट कर चुके थे। पहले मैंने सारे के सारे युद्ध, जैसे कि हाइड स्पीड से लेकर के हम लोगों ने शुरुआत की थी, और चंदावर के युद्ध तक जो कि 1194 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, सॉरी मोहम्मद गोरी और जयचंद, हाँ इन दोनों के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। चलिए जी, हम अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। क्या हम शुरू कर सकते हैं अभी क्लास? चलिए जी, तो अगला युद्ध होगा हमारा, ये चंदावर के युद्ध तक पहले वाली वीडियो में, पहले भाग में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला युद्ध होगा हमारा लो जी, पानीपत की पहली लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये युद्ध तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है जी, पानीपत का युद्ध। मतलब इतिहास का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में 5 चीजें आती है, 3 तो पानीपत की लड़ाई, एक प्लासी और एक बक्सर, और सबसे पॉपुलर अगर मानी जाती है तो भारत में पानीपत की लड़ाई मानी जाती है। यूट्यूब चेक करना। उसमें मत चलाया जाए, इसी पे चला जाए। चल रही है क्या क्लास? चल रही है, ठीक है ठीक है। चलिए जी, तो इससे पहले कि मैं डायरेक्ट आपको बताऊं कि कौन कौन था, कैसे कैसे हुआ था, हम एक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई के पीछे वजह क्या थी। देखिए जी, इससे काम नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, ये तो आप लोगों को पता है ही। ठीक है, हम एक एक युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि और क्वेश्चन भी उसके आसपास से हम कवर कर सकें। ठीक है, देखिए, तो बात है जी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं? क्या सही दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं? चेक करना, इधर करो इसको थोड़ा सा, वहां मेरे को दिख भी जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ उधर कर दो, नहीं फिर ये नहीं दिखेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए जी,
सल्तनत चल रही थी 1206 से लेके 1526 के बीच, ठीक है। 1206 से लेके 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों का राज चल रहा था। इस सल्तनत में आखिरी वंश, लोधी वंश का आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी सल्तनत में, ऐसा देखिए, ये लोग अफगानी मुसलमान हैं, और इसने छोटे छोटे जो एरिया थे उन सब में अपने अफगानी मुसलमानों को तैनात कर रखा था स्टार्टिंग में। छोटे छोटे अफगानी एरियाओं को, छोटे छोटे एरियाओं को इसने कंट्रोल कर रखा था। सारे एरिया में अफगानी मुसलमानों को बैठा रखा था, क्योंकि ये खुद भी अफगानी मुसलमान था। लेकिन गद्दी पे बैठने से पहले सबको प्रॉमिस किया था कि सब इंडिपेंडेंट राज करेंगे, स्वतंत्र राज करेंगे। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद सबको कहा, तुम सारे मेरे कंट्रोल में, कोई स्वतंत्र नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसका एक चाचा जी थे आलम खान, और एक था कजन दौलत खां लोदी। ठीक है। इन लोगों को भी इसने ऐसे ही पंजाब दिया था कि तुम पंजाब को संभालो स्वतंत्र रूप से, मुझे दिल्ली दे दो। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो पंजाब को भी अपने एरिया में ले लिया। मतलब अब पंजाब में सिर्फ गवर्नर बनकर रहेंगे ये लोग, बाकी सारा काम कौन देखेगा? इब्राहिम लोदी, मतलब इसी के कंट्रोल में रहेंगे। तो सारे अफगानी शक्तियां इसके खिलाफ हो चली थी। दूसरी बात, ये जो इलाका है मेवाड़ का, मेवाड़ में था राजपूतों का राज। इनमें इंक डालना थोड़ी सी। मेवाड़ में राजपूतों का राज था, और मेवाड़ में राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा उस समय मेवाड़ के राजा थे, जिन्होंने 1509 से लेके 1527 तक राज किया था। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? तो राणा सांगा के एरिया में सबसे बड़ा था जी सिस्टम, एम्पायर सबसे बड़ा था इसका, राणा सांगा का मेवाड़ में। तो मेवाड़ के इलाकों को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता था। जितने भी अफगानियों को इलाका दिया था सबको कंट्रोल में ले लिया। वो लोग इसके खिलाफ हो गए, और ये मेवाड़ को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। उन दिनों यहां पड़ता है जी काबुल, अफगानिस्तान। काबुल का राजा था बाबर, फरगना से आया था बाबर, काबुल को संभाल रहा था जी बाबर। और बाबर के पास ज्यादा सेना भी नहीं थी, सिर्फ 10,000 लोग थे इसके पास, 10,000 सैनिक थे बाबर के पास। इधर इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे। तो हुआ क्या, जो इब्राहिम लोदी के अफगानी भाईचारा है, इब्राहिम लोदी के जो कजन है, उन सब का दिमाग खराब हो गया कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है। उन सब ने मिलके बाबर को इनवाइट कर लिया। एक आलम खां है, दौलत खां है, उन सब ने सोचा हम बाबर को बुलाते हैं इब्राहिम लोदी से भिड़ने के लिए, ताकि बाबर को ये प्रॉमिस करेंगे करवाएंगे पहले कि तुम पंजाब हमें दे देना, दिल्ली पे राज कर लेना। तो बाबर भारत में आया नहीं था, बाबर को बुलाया गया था। इन्होंने इन्विटेशन दे दिया बाबर को। इधर से राणा सांगा ने भी सोचा कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली में जाके हराना बहुत बड़ी बात है, हम खुद नहीं हराएंगे, बाबर ही हरा देगा। तो राणा सांगा ने भी इनवाइट कर लिया बाबर को। लेकिन राणा सांगा को यह लग रहा था बाबर तैमूर की तरह, ध्यान दें भारत में 1398 में तैमूर ने अटैक किया था, और तैमूर आया तो इस पर्पज से था कि सबको तबाही मचा देगा। सबको लग रहा था भारत में राज करेगा, लेकिन तैमूर ने लूटपाट करने के बाद राज किया ही नहीं, वापिस चला गया। तो राणा सांगा को लग रहा है बाबर भी वैसा ही है, आएगा लूटपाट करेगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, चला जाएगा। और राणा सांगा की इतनी हिम्मत थी, बाकी अफगानियों को फिर मैं देख लूंगा, राज कर लूंगा दिल्ली पे। राणा सांगा के मन में था दिल्ली पे हिंदू साम्राज्य स्थापित करना। अब हुआ क्या, बाबर इन सब की बातों में आ गया, इन सब ने कहा हम तेरा साथ देंगे, और बाबर यहां से निकल पड़ा जी। उससे पहले ये 4 बार अटैक कर भी चुका था। ध्यान दें बाबर अपना 5वां आक्रमण करने जा रहा है। बाबर का भारत पे 5वां आक्रमण होता है जी। 21
अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 बाबर ने संदेश भेज दिया किसको? इब्राहिम लोदी को। क्यों? क्योंकि बाबर को तो इनकी भी सपोर्ट थी, राणा सांगा की भी सपोर्ट थी, ठीक है। राणा सांगा ने बुलाया है इसलिए था कि बाबर इसको मार के वापिस चला जाए। तो जी बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहा, भाई आ जाओ मैदान बुक करवा लो, बढ़िया सा लड़ाई करेंगे। इब्राहिम लोदी कहता जी पानीपत वाला मैदान खाली है, पानीपत में लड़ते हैं जी। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम पानीपत में लड़ाई करेंगे, अब होगी पानीपत की पहली लड़ाई। ये मैदान है जी पानीपत का, ठीक है, इसको हम कहेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। ध्यान दें, वैसे आपको सन तो याद रखना पड़ सकता है किसी भी डेट में, किसी भी युद्ध में, लेकिन जो प्रॉपर डेट है वो सिर्फ दो चार युद्ध ही हैं जिनके बारे में रखना पड़ेगा आपको याद, ठीक है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। पानीपत की पहली लड़ाई इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखेंगे, 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई होती है, मैदान तैयार है जी पानीपत का, बाबर अपनी सेना लेके आ गया। अब बाबर ये खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मुझे धोखे से बुलाया गया था, राणा सांगा ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब मैं युद्ध स्थल पे पहुंचा तो राणा सांगा ने फोन भी नहीं उठाया टाइम पे, मतलब राणा सांगा ने कॉन्टेक्ट नहीं किया। तो बाबर को यहां से सपोर्ट नहीं मिली, बाबर को किसी और ने भी सपोर्ट नहीं किया, अब बाबर अकेला रह गया। बाबर ने सोचा मेरे पास 10,000 सैनिक है, 2,000 इसको रास्ते में मिल गए थे, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, 12,000 सैनिक मेरे पास, 12,000 सैनिक है, उधर 1,00,000 सैनिक है, लड़ने का तो सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन फिर बाबर ने सोचा कोई बात नहीं, लड़ाई कर ही लेते हैं। अब पानीपत के मैदान में एक तरफ इब्राहिम लोदी अपने 1,00,000 सैनिकों के साथ पहुंच गया जी, और युद्ध स्थल पे सबसे आगे, और इधर बाबर आएगा, बाबर आया था जिनके हिसाब से, उन लोगों ने सपोर्ट किया ही नहीं, कोई बात नहीं, बाबर आ गया जी। बाबर युद्ध स्थल पे पहुंचा अकेला, कोई सहायता नहीं करने वाला, मेवाड़ वाले ने भी स्विच ऑफ कर लिया फोन अपना। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक, सामने 1,00,000 सैनिक, इसलिए युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1,12,000। लेकिन बाबर इस युद्ध में कुछ और चीजों का इस्तेमाल करने वाला, बाबर को पता था कोई बात नहीं, सामने 1,00,000 है, हमें जीतना है। तो बाबर के पास तोप थी और एक युद्ध करने की पद्धति जिसका नाम है तुलगमा। ये दोनों आइटम भारत में पहली बार लॉन्च किए जा रहे थे। बाबर के पास तोप थी, तोप भारत वालों ने देखी भी नहीं थी अब तक, भारत में किसी ने देखी भी नहीं थी, यानी फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था तोप का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई में। तुलगमा एक युद्ध की पद्धति होती, बाबर ने कहा हम कम है लेकिन हम कम से ज्यादा दिखेंगे। कैसे? बाबर युद्ध के मामले में बड़ा टेक्निकल था, बचपन से ही इसकी सारी की सारी अवधारणाएं थी ऐसी। बाबर ने अपनी सेना को लगाया ही ऐसे ताकि वो दिखे ज्यादा, बाबर ने अपनी आधी सेना को ऐसे लगा दिया, इब्राहिम लोदी ने ऐसे लगाया, बाबर ने ऐसे लगा दिया, और आधे सैनिकों को रिजर्व करके रख लिया दोनों तरफ, आधे सैनिकों को, यानी कि इब्राहिम लोदी की सेना को तीन तरफ से घेर लिया, इसने सेना को ऐसे लगाया, उसने ऐसे लगाया, ताकि यहां से देखने पर लगे कि इसकी सेना बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी सेना है, पीछे कोई नहीं लगाए, सिर्फ आगे आगे खड़े कर दिए, सेना ज्यादा दिखे, संख्या ज्यादा दिखे। बाबर ने ऐसे अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, इसको बोलते हैं तुलगमा पद्धति, और अपने आसपास तैनात कर ली तोप। तोप चलाने वाला एक साइड में खड़ा हुआ अली, दूसरी तरफ हुआ मुस्तफा, ये दोनों इसके तोप चलाने वाले थे, अली और मुस्तफा। युद्ध होता है जी शुरू, एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, एक तरफ 12,000 सैनिक, दूसरी तरफ 1,00,000 सैनिक, एक तरफ से चलेंगी तलवारें और दूसरी तरफ से चलेगी तोप। यह युद्ध चला जी 2 घंटे 23 मिनट, और 2 घंटे 30 मिनट में इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पे मारा गया। क्यों? क्योंकि सेना घबरा गई थी कि बाबर के पास ज्यादा सैनिक है, लेकिन बाबर के पास कम सैनिक थे, बाबर यह युद्ध जीत गया। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई,
आमने सामने कौन कौन है आप लोगों ने देख लिया, बाबर युद्ध को जीत गया, जो कि लग नहीं रहा था जीत जाएगा लेकिन बाबर जीत गया, इसलिए युद्ध ऐतिहासिक माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम क्या है, इस युद्ध का परिणाम क्या है कि इस युद्ध के बाद लोदी वंश समाप्त, दिल्ली सल्तनत समाप्त, मुगल वंश शुरू हो गया भारत में, पहली बार तोप का यूज। ठीक है, ये बहुत सारी बातें इस युद्ध के बारे में है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक युद्ध करवाया है, लेकिन इस युद्ध में करीब 25 क्वेश्चन हम लोगों के कवर हो रहे हैं जी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा है, लोदी वंश का आखिरी राजा है, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला राजा, इससे पहले कोई भी युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया, ये मारा गया, बात समझ में आ गई। ये थी जी पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, इस युद्ध को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को ये युद्ध समझ में आया है। हाँ जी, ऑफलाइन क्लास 15 अक्टूबर से शायद स्टार्ट हो जाए, बताइए जो जो भी इस युद्ध को सॉरी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया है। बताइए जी, कमेंट करके बताइए जी फटाफट। सिमरन वत्स, थैंक यू। हाँ जी YouTube वाले बताइए, सारी बातें क्लियर है ना, जो जो क्वेश्चन बनेंगे YouTube आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए जी, तो चलिए चलते हैं आगे अगले युद्ध की तरफ, ये क्लियर है ना। अब आप लोग सोचेंगे एक एक लड़ाई पे इतना इतना टाइम, तो भाई इतिहास में लड़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, और सबसे मजेदार टॉपिक है और पेपर में भी आते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके रिपोर्ट है विकास, वेरी गुड। चलिए जी, तो चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। अब सोचिए हुआ क्या, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद अगला जो युद्ध है ना वो इसी लड़ाई के ऊपर निर्भर है। अगला जो युद्ध है वो इसी के ऊपर निर्भर है। देखिए जी, अगले युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। क्लास के नोट्स भी मिल सकते हैं क्या? जी नहीं, अभी ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होंगी तो आपको क्लास में ही नोट करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो मेरे खुद के लिखे हुए नहीं है। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, फेसबुक पे किसी को शिकायत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो जी, अगला युद्ध है जी खानवा का युद्ध। ठीक है, सुनिए जी, अब जब भारत में मुगल वंश स्थापित हो गया, मुगल वंश जो कि 1526 पानीपत की लड़ाई के बाद शुरू हुआ है, 1857 तक चलेगा। मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 तक चलेगा, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक चलेगा। तो जी, बाबर ने स्टार्टिंग में 4 साल राज किया था इस वंश पे, और बाबर जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया तो बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राणा सांगा। क्यों? क्योंकि आजकल मेवाड़ में बस वही चल रहा था, और एक बात भी थी पर्सनल कि पानीपत की लड़ाई में इनवाइट किया था,
कि आ जाओ साथ दूंगा, लेकिन साथ नहीं दिया था। तो बाबर को लग रहा था कि अब राणा सांगा को हराना पड़ेगा, और राणा सांगा भी युद्ध के लिए तैयार क्यों हुआ, क्योंकि राणा सांगा को शुरू में लगा था कि बाबर युद्ध करके पानीपत का वापिस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने राज करने का, बाबर का मूड बदल गया, प्लानिंग चेंज कर ली। बाबर ने कहा राज करेंगे, राज करेंगे तो राणा सांगा करने नहीं देगा। अगला युद्ध इन दोनों के बीच होता है। कैसे होता है? इधर से पहले ही मेवाड़ के कुछ इलाकों में बाबर ने सेना भेजनी शुरू कर दी। बाबर ने सेना भेज दी और राणा सांगा को जानता नहीं है। बाबर ने सेना भेजी बयाना पे, बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग पे बाबर की सेना आई, कुछ सैनिक भेजे और कहा अपना प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दो। मेवाड़ के इलाके में पड़ता है बयाना, उस समय मेवाड़ के अधीन आता था। बयाना पे कब्जा करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दो, राणा सांगा बयाना में आएगा, उसको हम देख लेंगे। बयाना दुर्ग पे बाबर की सेना का कब्जा हुआ, इधर से राणा सांगा पहुंचा और सबको निपटा दिया, बुरी तरह पीटा जी। राणा सांगा बड़ा महान राजा था, बड़ा महान योद्धा था, ग्रेट वॉरियर था। राणा सांगा ने बयाना दुर्ग में बहुत बुरी तरह बाबर की सेना को पीटा जी, बाबर की सेना वापिस चली गई। बाबर ने कहा इस बंदे के साथ तो लड़ाई बनती है जी, फिर इतना ताकतवर है तो। बाबर ने कहा चलो फिर लड़ाई करते हैं। बाबर ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन सेना अब घबरा गई। सेना ने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। बाबर की सेना युद्ध करने से मना कर गई। सोचिए वो सेना जो 1,00,000 सेना सैनिकों वाले इब्राहिम लोदी से भिड़ गई, राणा सांगा के सामने मना कर गई। राणा सांगा के पास तो सिर्फ 35,000 सैनिक थे, मना कर गई बाबर की सेना। क्यों? एक बार बयाना के दुर्ग पे पिट के आ चुकी है। बाबर ने कैसे भी करके सेना को मनाने की कोशिश की, सेना नहीं मानी। बाबर ने सेना को ऑफर देने शुरू कर दिए, सबका टैक्स माफ कर दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। सेना ने कहा कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, चाहे हम युद्ध में नहीं जाएंगे, राणा सांगा है वो, उससे युद्ध नहीं करेंगे हम। बाबर के तो जी हौसले टूट गए। बाबर को क्या लगा अब युद्ध तो करना पड़ेगा, अगर राणा सांगा से युद्ध नहीं करेंगे तो वो हमसे करेगा, हमें भगाएगा। फिर बाबर ने अपनी सेना को मनाने के लिए, बाबर ने याद किया मैं बचपन से अच्छा योद्धा रहा हूं और मैं अपनी सेना को मोटिवेट कर सकता हूं। बाबर ने अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए एक काम किया। देखिए बयाना दुर्ग के बाद बाबर की सेना ने मना कर दिया, और बाबर ने सैनिकों को मनाने के लिए जेहाद का नारा दिया। बाबर ने कौन सा नारा दिया? जेहाद। और जो सेना घबराई हुई थी वो एकदम से हां कर देती है। सेना ने मना किया राणा सांगा के साथ लड़ने को, फिर बाबर की सेना मान गई। क्यों? क्योंकि बाबर ने सेना को मनाने के लिए जेहाद का नारा दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने जेहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। अभी लड़ने वाले हम, आगरा से 34 किलोमीटर दूर है ये खानवा जगह, ठीक है। बाबर ने सेना को मना लिया, जेहाद का नारा देखे। जेहाद का नारा होता है धर्म के नाम पे युद्ध, गैर इस्लाम, गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाओ, गैर मुस्लिम साम्राज्यों को मुस्लिम साम्राज्य में कन्वर्ट कर दो, ये होता है जिहाद का नारा। यानी धर्म पे लड़ाई है, जो मुसलमान नहीं है कर दो काम उनका, या तो मार दो या उनको मुसलमान बनाओ। सारे के सारे मुसलमान तैयार हो गए, सारे के सारे सैनिक तैयार हो गए, युद्ध के लिए सेना मान गई। बाबर ने कहा चलो चलते हैं जी। सेना को मना के बाबर लेके आया खानवा के मैदान में। अब बाबर का तो एक ही सिस्टम है जी, लड़ाई करेगा तो वही दो टेक्निक अपनाएगा, क्या क्या? तुलगमा और तोप, तुलगमा और तोप आजमाएगा जी ये तो, ठीक है। बाबर ने सेना को पहले ही तैनात कर लिया। बाबर की सेना उसी फॉर्म में तैयार हो गई, तीन तरह से घेरने को, और पीछे सैनिक, पीछे बाबर और साथ में तोप, खानवा के मैदान में तैयार हो गए जी। ये बात है 16 मार्च 1527 की, यानी अगले साल, ठीक है। पहले साल पानीपत की लड़ाई लड़ता है, अगले साल लड़ाई लड़ता है खानवा की। खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को बाबर सेना लेके आया, इधर से राणा सांगा भी फौज लेके पहुंच गया जी। अब राणा सांगा भी घबराने वाला नहीं है, सैनिक इसके भी खतरनाक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ।
राणा सांगा ने ऑलमोस्ट बाबर की सेना को तबाह कर ही दिया था। राणा सांगा ने जो पहले से ही छुपे हुए थे उनका तो कर ही दिया था काम, ऑलमोस्ट निपटा ही दिया था कि बाबर ने तोप शुरू कर दी थी। बाबर ने तोप शुरू कर दी और तोप कभी इन मेवाड़ वासियों ने देखी भी नहीं थी। इधर से तोप चली तो 20 मिनट में फैसला हो गया, राणा सांगा घायल हो गया और इसके सहयोगी भाग गए। खानवा का युद्ध भी बाबर जीत गया। ठीक है, ये बाबर ने खुद कहा है, अगर तोप ना होती तो यह युद्ध मैं कभी नहीं जीत सकता था। क्यों? क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी से भी ताकतवर था। ठीक है, राणा सांगा इस युद्ध में मारा नहीं गया। राणा सांगा को तो अगले साल 1528 में तोमरों द्वारा जहर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा हार जाता है। वैसे हारना भी गलत कहेंगे हम, राणा सांगा बेहोश हो गया था, उसके सैनिक उसको लेके भाग गए। जब उसको होश आया तो राणा सांगा ने वापस लड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके सैनिक लेके नहीं गए थे। ठीक है, ये युद्ध भी बाबर जीत गया। अब बाबर ने कहा बस अब नहीं रुकना है, अब तो जो जो राणा सांगा के साथ थे उनको पकड़ लो, उनको देखते हैं। राणा सांगा के साथ जो आदमी था उसका सबसे बड़ा नाम है उसमें महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई बचा हुआ था जी। एक बाबर को अफगानियों से नफरत थी, इब्राहिम लोदी का भाई बचा हुआ था महमूद लोदी। अब देखते हैं क्या होगा, अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। ये युद्ध आ गया होगा समझ में, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीत गया। इस युद्ध में बाबर की सेना मना कर चुकी थी और बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, चलिए जी अगले युद्ध की तरफ। अब बाबर पीछे पड़ेगा किसके? अफगानियों के। तो एक अफगानी है महमूद लोदी। बाबर तो दिल्ली में है जी, एक अफगानी है महमूद लोदी। चलिए अगले युद्ध का नाम बता देते हैं आप लोगों को। अगले युद्ध पढ़ रहे हैं हम, चंदेरी का युद्ध। महमूद लोदी बच गया, पानीपत की पहली लड़ाई से भागता हुआ फिर रहा, राणा सांगा का भी साथ दिया था, वहां से भाग गया था। महमूद लोदी जाकर के सहायता लेता है किसकी? चंदेरी के राजा की। चंदेरी के राजा का नाम था मेदनी राय। मेदनी राय कहां का किंग है? चंदेरी का। चंदेरी जगह कहां पड़ती है? ये एमपी में पड़ती है। ठीक है, चंदेरी में पहुंच गया जी महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। बाबर भी आ गया पीछे पीछे। तो 1528 में इस युद्ध के लिए डेट इंपोर्टेंट नहीं हो गई, सिर्फ और सिर्फ सन। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदनी राय के बीच, किसको लेके? महमूद लोदी को। इसमें मेदनी राय को हराया बाबर ने, यह भाग गया। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी हार गया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा हार गया। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदनी राय, मेदनी राय भी हार गया, बच गया महमूद लोदी। ठीक है, ये था जी 1528 चंदेरी का युद्ध। और अब मेदनी राय भागा घाघरा में, तो अब होगा घाघरा का युद्ध। ठीक है, अगला युद्ध होता है 1528 में घाघरा का युद्ध। ये युद्ध होता है बाबर और बचे हुए अफगानी यानी महमूद लोदी के बीच। और इस युद्ध में बाबर फिर जीत गया। ठीक है, तो भारत में आने के बाद बाबर ने चार लड़ाइयां लड़ी थी, 1526 से लेके 1529, सॉरी 29 आएगा ये, 28 नहीं 29, 1526 से लेके 1529 तक। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध। चारों युद्ध में बाबर जीत गया और बाबर ने भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी। ठीक है, अभी कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट। ठीक है, कमेंट कीजिए। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग?
कमेंट करके बताइए जी। बहुत अच्छी बात है, फेसबुक पे कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी, YouTube वाले, Facebook वाले सभी कमेंट करके बताइए, फिर हम अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। फीलिंग शानदार, सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी मजा आ रहा है। थैंक यू विकास। जो Facebook पे हैं कृपया शेयर का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको। थैंक यू विकास कासवान। चलिए जी, आगे चलते हैं, अगले युद्ध की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला युद्ध देखा जी, चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया था 2019 के एग्जाम में। ये शायद HSSC में आया था 2019 में। देखिए जी, चौसा का युद्ध, बाबर के बाद गद्दी पे हुमायूं बैठ गया था और हुमायूं बाबर जितना पावरफुल नहीं था, बाबर जैसे गुण नहीं थे इसमें। हुमायूं एक बेवकूफ शासक समझा जाता है मुगल वंश में। तो हुमायूं गद्दी पे बैठा था जी 1530 में और 1540 तक रहा था ये गद्दी पे। उसके बाद ये एक बार फिर भारत में आया था दोबारा 1555 से 56 तक। हुमायूं ने भारत पे दो बार राज किया था और ये दो बार राज किया नहीं था, एक्चुअल में दो बार इसको करना पड़ा था, क्योंकि बीच में जो गैप है ना 1540 से लेके 55, 15 साल का गैप, वो 15 साल का गैप इन दो युद्धों की वजह से जो अभी आएंगे, चौसा और कन्नौज का जो आएगा। ठीक है, चौसा का देखिए जी, हुमायूं बंगाल अभियान पे गया हुआ था और जब बंगाल अभियान से लौटा बंगाल अभियान से जब वापिस लौटा तो रास्ते में बिहार और इसी के अधीन काम करने वाला बिहार का गवर्नर शेर खान, जिसको आप बाद में शेरशाह सूरी भी कहेंगे, शेर खान बिहार का गवर्नर, ठीक है, बंगाल अभियान से जब वापस लौट रहा था, बिहार में पहुंचा तो शेर खान ने इसको घेर लिया जी। हुमायूं को उसी के अधीन काम करने वाले व्यक्ति ने घेर लिया जी। ये भी अफगानी है, ठीक है। तो हुमायूं और शेर खान के बीच एक युद्ध हुआ, बिहार में ही वो जगह है चौसा, चौसा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में इस युद्ध में एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ शेरखान। हुमायूं बुरी तरह हार गया जी इस युद्ध में। हुमायूं मैदान छोड़ के भाग गया और हुमायूं के आधे से ज्यादा सेना ने गंगा नदी में कूद के जान बचाई थी। गंगा नदी में कूद गया हुमायूं, हुमायूं खुद भी गंगा में कूद गया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी या शेर खान ने, बिहार के गवर्नर ने, हुमायूं को बुरी तरह हराया था बिहार में। गंगा में कूद के जान बचाई थी, कैसे भी करके दिल्ली आगरा पहुंच गया थी, बात बन गई। ठीक है, बताते हैं, गंगा में जब ये कूदा तो इसकी जान बचाई थी एक नाव चलाने वाले ने, नाम था निजामुद्दीन भिश्ती। निजामुद्दीन भिश्ती, इसने जान बचाई थी और इसको बदले में एक दिन का शासक बनाया गया था। नायक मूवी की तरह हुमायूं ने निजामुद्दीन भिश्ती को जान बचाने के उपलक्ष्य पे एक दिन का शासक बनाया था और इस एक दिन के शासक ने रातों रात नए सिक्के लॉन्च कर दिए
चमड़े के सिक्के, और इतिहास में हो गया फेमस लेदर कॉइन्स। चमड़े के सिक्के किसने शुरू किए थे? निजामुद्दीन भिश्ती ने, जो कि एक दिन का शासक बनाया था चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, तो चौसा का युद्ध था इंपॉर्टेंट। हुमायूं जब राजा बना हुआ था तो बंगाल में इसके खिलाफ विद्रोह हो गए थे, विद्रोह को शांत करने गया तो वापस आया तो रास्ते में बिहार में घेर लिया शेर खान ने, शेर खान ने इसको हराया था। समझ में आ गई बात, ये था चौसा का युद्ध। अगला युद्ध देखिए जी, हुमायूं बच गया, अब नहीं बचेगा। अगला युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध होता है जी 1540 में। अब हुमायूं जब बच गया था, तो हुमायूं दोबारा आया, और हुमायूं के पास तो तोप भी है, पिछले युद्ध में तोप नहीं थी, अब की बार तोप लेके आया। तो अब होता है इन दोनों के बीच कन्नौज का युद्ध। शेरशाह सूरी अगेन और हुमायूं, 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, दोनों के बीच एक बार फिर युद्ध हुआ। अब की बार हुमायूं तोप लेके आया, बड़ा चालाक, तोप लेके गया अब की बार, पिछले युद्ध में तोप नहीं थी इसके पास। हां जी आर के शर्मा, गुड आफ्टरनून। तो जी हुआ क्या, अब की बार शेर खान ने क्या किया, शेर खान एक पहाड़ी पे जा बैठा जी शेरशाह सूरी, और हुमायूं को कहा युद्ध करना है तो ऊपर आ जा। पिछले मैदान में, पिछले युद्ध में हुमायूं को हराया था इसने, अब की बार हुमायूं तोप लेके आ गया, भाई पिछली बार तो तोप नहीं थी, अब की बार आ सामने। तो शेर खान जो है पहाड़ी पे चढ़ गया और कहा ऊपर आ जा। हुमायूं तोप लेके ऊपर कैसे जाए, ऊपर गया नहीं, हुमायूं उसका वेट करता रहा, और शेर खान जब तक नीचे नहीं आया जब तक बारिश नहीं हो गई। इतना चालाक था, बड़ा, इसको है ना लोमड़ी जैसा शासक कहा जाता है जी, शेर और लोमड़ी का मिश्रण, शेर की तरह ताकतवर था और लोमड़ी की तरह चालाक भी था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक महीने तक टालता रहा, 3 तारीख को आ रहा हूं, परसों आ रहा हूं, 4 दिन बाद आ रहा हूं, बारिश होने का वेट कर रहा था। जैसे ही बारिश हुई तोप खराब हो गई, तोप में जंग लग गया, शेर खान नीचे आ गया, दोनों में युद्ध हुआ, हुमायूं से तोप चली नहीं, हुमायूं फिर हार गया। चौसा के युद्ध में जैसे हारा था उसी प्रकार कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं हार गया, और अब की बार तो हुमायूं ऐसे हारा कि हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ गया, भारत से बाहर, अब की बार तो आउट ऑफ इंडिया कर दिया जी, स्टेडियम से बाहर फेंक दिया हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। ये जो गैप है ना, मैंने बताया था आपको 1530 से 40 राज किया है और फिर 55 से 56 करेगा, अब तो हुमायूं 55 में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 15 साल का गैप आ गया। किसने लाया ये गैप, कौन लाया ये गैप? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं 1540 चौसा के युद्ध में नहीं भागा। ध्यान दें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुमायूं भारत छोड़कर किस युद्ध के बाद भागा था, वो है कन्नौज का। चौसा के युद्ध में हारा लेकिन बच गया, अब की बार भारत छोड़कर भाग गया। इस युद्ध के बाद वो भागा, दोबारा आएगा 55 में, यानी मुगल वंश यहां भी है यहां भी है, तो 40 से 55 के बीच क्या रहा, बीच में रहा था सूरी वंश। ये वाला जो 15 साल का गैप है ना, यहां पे सूरी वंश रहेगा, शेरशाह सूरी राज करेगा, उसके उत्तराधिकारी राज करेंगे। ठीक है, अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। 1540 हो गया, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए जी, मच्छीवाड़ा या फिर सरहिंद का युद्ध बोलते हैं इसको। यह युद्ध हुआ था 1555 में। 15 साल धक्के खाने के बाद हुमायूं जब वापिस आया 1555 में, तो हुमायूं ने यह युद्ध लड़ा था, जो शेर खान था ना शेरशाह सूरी, शेरशाह के उत्तराधिकारियों से, इस्लाम सूरी लगा लीजिए, सिकंदर सूरी लगा लीजिए। ठीक है, यह युद्ध 1555 में होता है, हुमायूं जब वापस आया शेरशाह सूरी मारा जा चुका था, 45 में डेथ हो चुकी थी शेरशाह सूरी की। तो ठीक है, तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों से युद्ध होता है और हुमायूं युद्ध जीत जाता है 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं जीत गया था। ठीक है, हुमायूं और अफगानियों के बीच भी आ सकता है, शेरशाह के उत्तराधिकारियों के साथ भी आ सकता है, और सूरियों के साथ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए जी अगले युद्ध की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। इससे पहले कि ये शुरू करें, हम फटाफट कमेंट करके बताइए फेसबुक पे और यूट्यूब पे।
क्लास में बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? और जो मैं करवा रहा हूं समझ में आ रहा है ना, और जो मैं करवा रहा हूं वो आप लोग लिख भी रहे हैं ना? हाँ जी बताइए। नवीन लखान, स्लो लेक्स विकास, केडी वर्मा, अरमान, फेसबुक पे राजेंद्र कुमार, फनी वीडियोस, मनोज कौशिक, पूजा मीना, विकास पुनिया, हाँ जी जो जो देख रहा है अभी बताइए, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? चलिए जी अगले युद्ध की तरफ चलते हैं, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए, हुमायूं जब 1555 में दोबारा आया था तो 56 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों के नीचे गिरने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु। जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, गद्दी पे बैठने की बारी किसकी आई? उसके बेटे की। वीडियो रुक गई थी? नहीं जी, वीडियो तो नहीं रुक रही, ऐसा तो नहीं है। चलिए देखिए, रमन क्लियर है, राजेंद्र कुमार ठीक है। देखिए जी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 56 में, और हुमायूं के बाद गद्दी पे बैठने वाला कोई था नहीं। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, जब हुमायूं पलायन कर चुका था, हुमायूं भारत से बाहर निकल चुका था, उसी पलायन के दौरान जब धक्के खा रहा था ना हुमायूं, तब हुआ था अकबर पैदा। अकबर 1542 में पैदा हुआ था, 42 में हुमायूं कहां था? गायब था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी बनने की बारी आई, यानी कि दिल्ली की गद्दी पे कोई नहीं है, तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया हेमू विक्रमादित्य ने। रेवाड़ी का शासक हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र, एक हिंदू राजा ने कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा यही है। हेमू ने कब्जा कर लिया, जो कि कहां से था? रेवाड़ी से था। और अगर मुगलों को यह सिस्टम चलाना है, कंटिन्यू रखना है भारत में, 1526 में जो बाबर ने नींव डाली थी, अमन कौशिक नमस्ते भाई, तो अकबर को लाना पड़ेगा। अकबर को लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकबर लगभग 13 साल का हुआ है जी तब, तो अकबर को लेके आता है बैरम खां। अकबर जन्म हुआ है अमरकोट में, जो कि पाकिस्तान में है। अमरकोट में जन्म हुआ था 42 में, उसको बैरम खां लेकर के चलता है भारत के लिए, भाई इसको मारो और तुम्हारे पिता की गद्दी पे कब्जा करो। रेवाड़ी के राजा ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, बैरम खां लेके चलता है अकबर को, और रास्ते में एक जगह आती है कालानोर। ध्यान दें, ये कलानोर नहीं है, कलानोर तो रोहतक में है, यह कालानोर पाकिस्तान में ही। कालानोर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। रास्ते में कालानोर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, कालानोर में इसका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक करवा के अकबर भी पहुंच गया जी भारत में। और जब पहुंचा तो मैदान में कौन मिला? रेवाड़ी का राजा। अब रेवाड़ी का राजा दिल्ली पे कब्जा कर चुका है, हुमायूं की गद्दी थी खाली, उस पर कब्जा कर लिया। और अगर दिल्ली की लड़ाई लड़नी है तो दिल्ली के आसपास तो एक ही मैदान है, वही बुक करवाना पड़ेगा, पानीपत का। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरी लड़ाई, एक तरफ हेमू जो कि बड़ा ताकतवर राजा था, दूसरी तरफ बैरम खां। ये कौन है? ये सेनापति है अकबर का, और एक खुद अकबर जो कि राजा तो बन चुका है लेकिन महज 13 साल का था।
ठीक है, इनके बीच ये युद्ध होता है। ध्यान रहे, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर महज 13 साल का था और अकबर इस युद्ध में घबराया हुआ भी था। एक तरफ हेमू, दूसरी तरफ अकबर। एक्चुअल में लड़ाई अकबर ने नहीं लड़ी है, लड़ाई लड़ेगा बैरम खां, अकबर का सिर्फ नाम है, लेकिन जब पूछा जाए किस किस के बीच हुई तो अकबर और हेमू आएगा, अगर ये नहीं है तो बैरम खां आएगा, अगर तीनों दे रखे तो अकबर का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि राजा अकबर था। तो इस लड़ाई में अकबर घबराया हुआ था, लेकिन किस्मत काम कर गई। अकबर जो हेमू है ना, हेमू ने पूरा का पूरा शरीर कवर कर रखा था, ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हैं जैसे पबजी खेलने वाले हैं वो समझेंगे, लेवल 3 का हेलमेट पहना हुआ था, लेवल 3 की जैकेट पहनी हुई थी, सारा का सारा सिस्टम कवर था, इसको कोई डैमेज नहीं दे सकता, ठीक है, पूरा शरीर कवर था। किसका? हेमू का। हेमू की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। अब जो अकबर है उसकी सेना में था एक स्नाइपर जो कार 98 जबरदस्त चलाता था, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये स्नाइपर ने ऐसा निशाना लगाया कि हेमू की आंख में तीर लगा और हेमू घायल, घायल होकर हाथी से नीचे गिर गया, हाथी पे बैठा हुआ था हेमू, ठीक है, और ये युद्ध जीत गया कौन? अकबर। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। युद्ध का परिणाम, अकबर बना भारत का बादशाह। इस युद्ध के बाद मुगलों की जो खोई हुई विरासत थी उसका बादशाह कौन बना? अकबर बना। ये बात समझ में आ गई? ये है जी पानीपत की दूसरी लड़ाई। समझ में आ गई है ना बात? ठीक है, अकबर यह युद्ध जीतने वाला नहीं था, इसके स्नाइपर ने काम कर दिया, हेमू की आंख में तीर मारा, हेमू गिर गया, घायल हो गया, काम तमाम। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई का परिणाम क्या होता है? मुगल साम्राज्य की दूसरी बार नींव डलती है जी। ठीक है, एक बार नींव डाल चुका था बाबर और दूसरी बार नींव डली है अकबर के द्वारा। ठीक है, अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। अभी एक बार कमेंट कीजिए साथ साथ में, ये क्लियर है क्या? फिर पढ़ते हैं, अगला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेसबुक पे देख रहे हैं साथ में शेयर कर दें प्लीज। हाँ जी, समझ में आ गया है ना सबको? क्लियर है ना? तब तक कमेंट करके बताइए, मैं पानी पी लेता हूं। जी चलिए अगले युद्ध की तरफ चलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चेक करो, खुद को भी तो याद हो रहा है। चलिए जी, अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, अकबर राजा बन चुका था भारत का और अकबर हर राज्य को भारत में विलय करना चाहता था, यानी कि मुगल साम्राज्य में विलय करना चाहता था। अकबर ने दो तरीके अपनाए थे। पहले तो हम संदेश भेजेंगे, भाई मान जाओ, ठीक है, अगर तो मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध करेंगे, हराएंगे, उसके बाद उसको मनाएंगे, या तो मान जाओ नहीं तो फिर और भी तरीके हैं। तो इस प्रकार विलय की नीति अपना रहा था अकबर। ये विलय की नीति लगभग पूरे भारत में चल पड़ी थी, लेकिन ये विलय की नीति एक बंदे ने एक्सेप्ट नहीं की जिसका नाम है महाराणा प्रताप। ये कौन है? ये राणा सांगा के ही वंशज हैं। ठीक है, देखिए जी, मेवाड़, मेवाड़ के नए नए राजा बने 1572, महाराणा प्रताप। इधर अकबर साहब 1556 से लेके 1605 तक। तो अकबर विलय की नीति चाहता था सबके साथ, लेकिन ऐसी बात नहीं बनी। वैसे मेवाड़ के ही संबंधित थे कुछ लोग, जैसे आमेर का राजा था,
आमेर का था मानसिंह। मानसिंह ने अकबर के साथ समझौता कर लिया था और अकबर की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। मानसिंह किन के लिए काम करता था? मुगलों के लिए, लेकिन था एक मेवाड़ का, ठीक है, राजपूत। तो अकबर बार बार संदेश भेज रहा था, महाराणा प्रताप ने सारे संदेश ठुकरा दिए जी। इवन महाराणा प्रताप तो इतना स्वाभिमानी था, अकबर की सेना संदेश लेके आती उनको पीट के भगा देता था। महाराणा प्रताप के साथ अब अकबर ने सोचा युद्ध ही करना पड़ेगा। अकबर बड़ा चालाक था, अकबर बड़ा चालाक था। अकबर को पता था कि राजपूतों को राजपूतों के साथ लड़ाएंगे तो और भी मजा आएगा। अकबर ने मानसिंह को ही भेजा अपनी सेना का नेतृत्व करने को। अब देखिए, राजस्थान में एक पहाड़ी दर्रा है। पहाड़ी दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच रास्ता। उस दर्रे का ही नाम है इधर हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक दर्रा है पहाड़ी, तो एक नैरो वे है, बड़ा छोटा सा रास्ता है। उस दर्रे में मुगलों की सेना आ गई जी, मुगल सेना। और सेना किसके नेतृत्व में आई? मानसिंह के नेतृत्व में। मुगल सेना आई और सामने से आए जी महाराणा प्रताप। तो 18 जून 1576, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ मुगल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं मानसिंह और इधर महाराणा प्रताप, ठीक है। सोचिए ये युद्ध कैसा है। इस युद्ध में आपस में राजपूतों को लड़वा दिया था अकबर ने। अब बहुत सारे इतिहासकार, अगर हम सेंट्रल जीके की बात माने तो कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया था, लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, ठीक है। इस युद्ध में मानसिंह की तरफ थे लगभग 10,000 सैनिक। मानसिंह कितनी सेना लेके आया हुआ था? 10,000। साहब के पास थे 3,400 सैनिक। 3,400 में से 3,000 इसके खुद के थे और इनमें से 400 भील जनजाति के लोग थे। ध्यान दें, राजस्थान की भील जनजाति है ये। पूछा भी जाता है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। भील जनजाति के लोगों ने इसका साथ दिया था। यहां 3,400, यहां 10,000 के लगभग। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। शुरू में मानसिंह ने मनाने की कोशिश की, भाई मान जा, कर दे सरेंडर। इसने कहा नहीं। युद्ध शुरू हुआ। मानसिंह हाथी पे बैठा, ये घोड़े पे बैठा। घोड़े का नाम सबको पता है चेतक। युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में, ये युद्ध चला 3 घंटे। 3 घंटे के युद्ध में यहां कितना डैमेज पहुंचा? 7,000 से ज्यादा सेनापति घायल, सैनिक घायल। 7,000 से ज्यादा घायल। यहां तो ऑलमोस्ट सब घायल हो गए थे, लेकिन सोचिए इन लोगों ने कितने सैनिकों को घायल कर दिया उधर। 7,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ था सैनिकों का, 10,000 में से, ठीक है। युद्ध चलता रहा चलता रहा। इधर इनका घोड़ा चेतक घायल हो गया, घोड़े का एक पांव कट गया। महाराणा प्रताप को उसकी भी देखभाल करनी थी, तो महाराणा प्रताप कैसे भी करके चेतक को लेके निकल गए जंगलों में, ठीक है। इधर सेना ने पहाड़ी पे कब्जा कर लिया, मुगलों की सेना ने। मुगलों की सेना ने पहाड़ी पे कब्जा कर लिया, लेकिन ये इलाका ही ऐसा था, भील जनजाति थी यहां पे और मेवाड़ी सैनिक सैनिक भी थे। बाद में जो मुगल सैनिक कब्जा करके बैठे थे, कुछ दिन बाद वो यहां से निकल भी गए। अब अगर देखा जाए, अगर समझा जाए, जितना आप लोगों के समझ में आया होगा उसके हिसाब से, क्या इस युद्ध का कोई परिणाम निकला है? क्या इस युद्ध को कोई जीता है? आप लोग ये कह सकते हैं कि इस युद्ध को मानसिंह जीत गया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप हारने वाले नहीं थे, ठीक है। तो ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, लेकिन फिर वही बात है सर जी, पेपर में आ गया। तो भाई पेपर में आ गया तो आपको अपने स्वाभिमान को साइड में रख देना है और पेपर के हिसाब से मानसिंह को जिताना है, क्योंकि पेपर तो वही मानता है फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का आएगा, ठीक है। तो बताइए कि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे इस युद्ध में, अगर ये घटना हुई है तो बताइए, कमेंट करके बताइए, लिखिए 2 शब्द महाराणा प्रताप के बारे में। फटाफट कमेंट करके बताइए जी। समझ आ रहा है?
वेरी गुड। हाँ जी बताइए, फेसबुक पे जो हैं राहुल खान। हाँ जी हेलो। हाँ जी रॉकिंग नीतू यस। तो ये था जी आज का टॉपिक। वैसे युद्ध बहुत कम हुए हैं लेकिन हमने डिटेल में पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो एक और जरूरी सूचना मैं आप लोगों को बता देता हूं, उससे पहले मैं बता देता हूं युद्ध का इंपॉर्टेंट, युद्ध का एक और टॉपिक में लेकर के आऊंगा। हाँ जी मैं ठीक हूं, सुन लीजिए एक बार। अब जो भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध बचे हैं, बहुत सारे अभी बचे हैं, उनके लिए एक वीडियो और मैं अगले सप्ताह लेकर के आऊंगा, ठीक है? उसमें हम सारे के सारे युद्ध कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स करवाऊंगा भारत के इतिहास के, ठीक है? एक और सूचना, 15 तारीख से शायद शायद 15 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है? 15 अक्टूबर से, यह बात ध्यान से सुन लेना, 15 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, किस एकेडमी पे पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं रेड स्क्वेयर मार्केट में ही हूँ, उसी मार्केट में पढ़ाऊंगा अब मैं एसके क्लासेस के साथ, ठीक है? एसके क्लासेस में मैं खुद आप लोगों के लिए एक बैच लेकर के आ रहा हूँ ऑफलाइन स्टार्ट होते ही, ठीक है? 15 तारीख को जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी एसके क्लासेस में मैं खुद अपने खुद के बैच लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं किसी भी एकेडमी में अलग से नहीं पढ़ा रहा, मैं खुद एसके क्लासेस में आपके लिए बैच लेकर के आ रहा हूँ। एसके क्लासेस में हम दिल्ली पुलिस का बैच शुरू करेंगे, जैसे ही ऑफलाइन की परमिशन मिलती है सबसे पहले जो बैच होंगे, सबसे पहले एकेडमी के जो बैच होंगे वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि जो बच्चे कोचिंग के लिए ढूंढ रहे हैं अच्छा प्लेटफॉर्म, उनको ये खबर पहुंचे। सबसे पहले ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होते ही हम लोग दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट करेंगे, हम लोग एनटीपीसी का बैच स्टार्ट करेंगे, एस्टेट का और डिफेंस में एयरफोर्स और एनडीए और आर्मी के बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी अपकमिंग एग्जाम यही है, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, एस्टेट, डिफेंस में एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, और आर्मी की जो ओपन भर्ती होती है उसके एग्जाम की भी हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है? ये ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी कहाँ पे? एसके क्लासेज में। एसके इंग्लिश क्लासेज पहले से इस मार्केट में चल रहा है, पिछले 3-4 साल से चल रहा है, तो अब मैं उसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुका हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रहा हिसार की रेड स्क्वेयर मार्केट में। जो बच्चे मेरे से पहले किसी भी इंस्टीट्यूट पे पढ़े हुए हैं वो लोग भी ध्यान से सुन लें, अब हम मिलेंगे कहाँ? एसके क्लासेस में, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जी। कुछ पूछना है किसी को? चलिए फिर अगली क्लास में लेकर के आते हैं हम इसका अगला पार्ट, ठीक है? हाँ जी टारगेट, हेलो बताइए। फेसबुक वालों को कुछ पूछना हो? हाँ जी, फीस वगैरह आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है? नंबर आपको दे दिया जाएगा, सर का नंबर टाइप कर दो, सर का नंबर टाइप कर दो। बताओ 28
हाँ जी, जिसको भी फीस के बारे में पूछना है ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे चेक करें कमेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।